हेलो फ्रेंड, मैं आपका वेलकम करता हूं गार्डनिंग बॉय यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गजेनिया के प्लांट पे। दोस्तों, इसका नाम गजेनिया इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो 11 बजे खिल जाता है और शाम होते होते बंद हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट है, इसके कई आपको कलर मिल जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको कुछ कलर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, और इस प्लांट की एक खासियत ये है कि ये आप छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको हैंगिंग पोट में भी लगा सकते हैं। तो ये आपको नर्सरी पे 20 रुपीज़ का मिल जाएगा। दोस्तों, ये है विंटर का प्लांट है, जो अगर आप इसको लगा रहे हैं तो ये अप्रैल तक आपका बहुत अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों, जब इसे आप छत पे लगाएंगे और इसके कई कलर आप लगाते हैं तो ये अपने तरफ अपना ध्यान आपका खींचते हैं। तो देखिए, कई कलरों में आपको मिल जाता है और इसका आपको कुछ ज़्यादा ख्याल भी नहीं रखना होता, बस इसको फुल सन चाहिए। आपके छत पर जो आपका टेरेस गार्डन है उस पर धूप अच्छी खासी आती हो तो इसके फ्लावर खिलने में बहुत अच्छे रहते हैं। और दोस्तों, जैसे ही इसके फ्लावर आपको खिल जाते हैं तो इसके फ्लावर खिले हुए 6 से 7 दिन तक रहते हैं। तो उस बीच में आपको ये करना है कि जो इसके फ्लावर जब ख़राब होने लगें तो आपको वो तोड़ के हटा देने हैं ताकि नए फ्लावर आ सकें। तो देखिए, काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, आप ज़रूर इसे ले जाएं नर्सरी पे। बहुत सस्ते प्लांट मिल जाते हैं 20 रुपये में। और दोस्तों, इसका फर्टिलाइज़र आप दें तो दोस्तों, अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। और दोस्तों, इसमें अगर आप 2 से 4 दाने DAP हर 15 दिन में डालें तो इस पर बहुत भर भर के फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों देखिए, कई कलरों में आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छे प्लांट हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी सी वीडियो लाते रहूँ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।